नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रखर। रामनगर में कोरोना को के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की ओर से वायरस के संक्रमण को लेकर चलाए गए अभियान में आज जहां एक तरफ धज्जियां उड़ती दिखाई दी, तो वहीं दूसरी तरफ रैपिड एंटीजन में 4 कर्मचारियों के पॉजिटिव निकलने के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। वहीं पॉजिटिव पाए गए कर्मचारियों को फिलहाल होम आइसोलेशन पर रखा गया है। दरअसल रामनगर के विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क में कोरोना को लेकर खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। आपको बता दें कि कॉर्बेट नेशनल पार्क के कई जोनों में बाहरी राज्यों से पर्यटक घूमने के लिए हर रोज भारी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों की ना तो बॉर्डर पर कोई जाँच हो रही है और ना ही जोनों में प्रवेश के दौरान कर्मचारी इनकी जाँच कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि पार्क में घूमने के लिए जाने वाले कई पर्यटक आज भी बिना मास्क और सैनिटाइजर के जाते हुए दिखाई दिए। ऐसे में ना ही कर्मचारियों की ओर से इन पर्यटकों की आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाई गई और ना ही कोरोना वैक्सीन की फाइनल डोज का कोई डॉक्यूमेंट देखा गया। इस दौरान जब कर्मचारियों से पूछा गया तो कर्मचारियों ने साफ तौर पर कहा कि उनके पास इस बात का कोई जानकारी नहीं है कि पर्यटक कौन से राज्य से आया है। ऐसे में कर्मचारियों का कहना था कि वो सिर्फ पर्यटक की आईडी से विभाग की ओर से जारी किए गए परमिट में दर्ज नाम का मिलान कर रहे हैं। साथ ही कर्मचारियों का ये भी कहना था कि कोरोना को लेकर की जाने वाली जांच के बारे में उन्हें कोई आदेश नहीं है। इस दौरान मामले में नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने बताया कि इस बारे में सभी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज बेलपड़ाव के आईआरबी में 61 और एलआईयू में 6 कर्मचारियों को आईआरबी के 3 कर्मचारी और 1 कर्मचारी एलआईयू में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिन्हें होम आइसोलेशन में रखने की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि रामनगर कोतवाली में 64 पुलिसकर्मियों को आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि एक ग्रामीण क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल के 46 बच्चों की भी आरटीपीसीआर जांच की गई है, जिसकी रिपोर्ट गुरुवार को मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम नगर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रैंडम चेकिंग करने के साथ ही नगर पालिका कर्मचारियों की भी सैंपल लेने की कार्रवाई करेगी। वहीं डॉक्टर कौशिक ने बताया कि कोविड नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, जैसे कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी और चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा जो मीटिंग ली गई थी ओमिक्रॉन के लिए और उसकी दस्तक दृष्टिगत, तो उसमें कुछ दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे जिसमें पुलिसकर्मी जितने भी हैं उनकी सभी की जांच होनी है, नगर पालिका के सभी कर्मचारियों की जांच होनी है नगर निगम के, और जितनी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर रैंडम चेकिंग होनी है, सभी स्कूल्स की कॉलेजेस की सबकी जाँच होनी है। स्कूल्स की तो जांच हम पिछले विगत एक महीने से कर रहे हैं जब से खुले हैं, और आज आईआरबी बेलपड़ाव से 61 लोगों के रैपिड एंटीजन टेस्ट हुए थे जिसमें 3 पॉजिटिव पाए गए हैं, और एलआईयू से 6 लोग भी किए गए हैं जिनमें से 1 पॉजिटिव है, और 64 आरटीपीसीआर कोतवाली से हुए हैं। जहाँ तक कॉर्बेट की आप बात कर रहे हैं तो कॉर्बेट के लिए कोई अलग से दिशा निर्देश जारी नहीं किए जाने हैं। कल बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया गया है और मीडिया में भी और प्रिंट मीडिया में भी इसके विषय में आ चुका है कि सभी बस अड्डों पे, रेलवे स्टेशंस पे और बॉर्डर पे रैंडम चेकिंग करनी है और रिपोर्ट नेगेटिव वाली ही चाहिए, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ये फॉलो करना है, क्योंकि विगत काफ़ी दिनों से हम लोग दे रहे हैं कि लोग ये सोच रहे हैं कि कोविड चला गया है, लेकिन इसके लिए अब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फिर से फॉलो करना ज़रूरी है। और हल्द्वानी में कल इसके लिए जागरूक भी किया गया था पुलिस और प्रशासन द्वारा, और अब यहाँ पर भी हम लोग यही प्रशासन और पुलिस वाले मिलकर हम लोग ये ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक के बाद उत्तराखंड प्रशासन और शासन पूरी तरह अलर्ट मूड में। मंगलवार को कोरोना के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने बताया कि सोमवार को मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी द्वारा दिए गए निर्देश के बाद मंगलवार को रामनगर के कई स्कूलों में
और पुलिसकर्मियों और आईआरवी के अलावा खुफिया विभाग की सैंपलिंग लेने की कार्रवाई की है, जिसमें 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टर कौशिक ने बताया कि आईआरवी बेलप्लावर में जो बटालियन है पुलिस की, वहाँ 3 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 1 रामनगर में एलआईयू विभाग में 1 कर्मचारी वहाँ भी पॉजिटिव पाया गया। उन्होंने बताया कि इन सभी कर्मचारियों के जो है रैपिड टेस्ट किए गए थे, जिसके बाद इनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो वहीं रामनगर कोतवाली पुलिस में भी कई पुलिसकर्मियों की आरटीपीसीआर की जांच की गई है, जिनकी रिपोर्ट 2 दिन बाद आएगी। साथ ही एक बड़ा मामला ये भी कि जहां एक और सरकार और प्रशासन पूरी तरह ये कोरोना के तीसरे वायरस को लेकर अलर्ट मूड में है, तो वहीं रामनगर में स्थित विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क में नियमों की पूरी तरह धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मंगलवार को रामनगर कॉर्बेट नेशनल पार्क के बिजरानी जोन में विभिन्न राज्यों से आए पर्यटक यहाँ भ्रमण के लिए आए थे, लेकिन कोरोना के नाम पर ना तो उनके कोई प्रपत्र चेक किए गए और ना ही उनको किसी प्रकार की कोई जानकारी दी जा रही थी। कोई पर्यटक बिना मास्क के भी जोन में भ्रमण करते हुए प्रवेश करते हुए दिखाई दिए। कॉर्बेट के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। बिजरानी गेट पर तैनात कर्मचारियों से जब इस बाबत पूछा गया तो कर्मचारियों ने बताया कि कोरोना को लेकर किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं की जा रही। कर्मचारियों द्वारा सिर्फ जिस पर्यटक का परमिट है, परमिट में नाम चेक कर उसकी आईडी चेक की जा रही है। और उन्होंने ये भी बताया कि कौन सा पर्यटक कौन से राज्य का, ये भी उनके पास तक जानकारी नहीं मिली। काफ़ी हैरानी वाली बात है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी रामनगर कॉर्बेट प्रशासन पूरी तरह मूक दर्शक बना हुआ है। तो वहीं नोडल अधिकारी डॉक्टर कौशिक ने बताया कि सभी के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं और रामनगर में भी अब लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पूरी तरह सचेत मूड में। उन्होंने कहा कि अब रैंडम चेकिंग के साथ ही किसी के भी नियमों की उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। जो भी नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया गया संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले।